ओके okay. तो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे आपसे अपने हाफ ईयरली पेपर के बारे में, जिसमें हमने आपसे कहाँ डिस्कशन किया था, हमने आपसे बोला था आई थिंक ये एमसीक्यू हो गए थे ना, बोलो कुछ याद है किसी को? आवाज आ रही बेटा? हेलो, यस सर। ओके, आपका कंप्यूटर का पेपर कब था बेटा? ओके okay. तो देखो, हमने हाफ एनली के पेपर में बाहर डिस्कशन कर लिया था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, पढ़ा था कि नहीं बेटा बताओ, कुछ बोल ही नहीं रहे तुम लोग। बोले बेटा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग क्या करो ना, कि सब लोग अपने आप को वो कर लो, मतलब अनम्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो, ठीक है? आशीष कुमार यादव, ऋषु, निष्कर्ष, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो बेटा, और जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे एक साथ सब लोग आंसर देना, ओके? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, किसका आपका ये सेकंड किसका? वो ज्योति नाम का था, मैं सब्सक्रिप्शन था। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड प्रेसिडेंट प्रोग्राम? इन सब में से जो आपका वर्ल्ड प्रेसिडेंट प्रोग्राम कौन सा है, एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट? क्या है बेटा? पावर पॉइंट? हाँ, क्या है? वर्ड। किसने बताया बेटा वर्ड? किसने बताया ये, किसी और? निष्कर्ष। निष्कर्ष, 1 पॉइंट बेटा, वेरी गुड। नाउ गेट रेडी फॉर सेकेंड वन। अ प्रेजेंटेशन इन अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट इज कॉल्ड। जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है बेटा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में, यानी पावर पॉइंट, वो क्या कहलाती है? स्लाइड, स्लाइड शो और प्रोजेक्ट, क्या कहलाती है बेटा? ओके, रिशु गॉट द मार्क, रिशु गॉट द मार्क, क्योंकि उसने सबसे पहले आंसर दिया रिशु ने, सो 1 पॉइंट रिशु, वेरी गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू क्रिएट एंड एडिट पिक्चर इज अडोब फोटोशॉप, पावर पॉइंट और डेटाबेस? दिव्या दीपक पाटिल, यू गॉट 1 मार्क्स। ओके, चलो तुम लोगों को मैं ऐसे बगल में रखूं ताकि मुझे पता चल सके किसने आंसर दिया है, जस्ट अ सेकेंड ना, वेरी गुड। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, सब लोग अनम्यूट करके तैयार रहना। फोर्थ क्वेश्चन, अब कॉपीराइट सॉफ्टवेयर गेट इज शेयर फॉर द ट्रायल पीरियड इज व्हाट? शेयरवेयर। डिस्कस गॉट 1 मार्क्स मोर। नाउ गेट रेडी फॉर द फिफ्थ वन, द ग्रुप ऑफ 8 बिट्स फॉर्म्स अ बाइट, वेरी गुड। नाउ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज व्हाट? इट्स बिट, बिट फॉर बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट बोले तो 0 या 1, ठीक है? नेक्स्ट, द बेस ऑफ द बेस 10 नंबर सिस्टम इज व्हाट? बाइनरी, हेक्साडेसिमल और डेसिमल, व्हाट? बाल कृष्णा, गॉट यू 1 मार्क्स मोर, बाल कृष्ण। ओके ओके, बस बेटा डिस्कस, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन, द नंबर सिस्टम यूज इन इंटरनली बाय ऑल द कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर, ओके, अ फंक्शन डेट रिटर्न द लोवेस्ट वैल्यू सीरीज इज मीन, वेरी गुड बेटा, 3 मार्क्स। द डाटा यू इंटर इन एक्सेस इज सॉर्टेड इन अ फाइल इज कॉल्ड, स्टोर इन अ फाइल कॉल्ड वर्कशीट, वर्कशीट, बिल्कुल बेटा वर्कशीट। निष्कर्ष 4 पॉइंट बेटा, तुमने सारा पेपर किया है क्या, बाकी लोग क्या कर रहे हो?
चलो get ready for the next one. The row and column collectively are called a workbook. Here can be three answers. Here can be a table. So here can be answer as a table because the collection of column and row is called table. It also called a spreadsheet. It also called a workbook. There are three options that can be filled up. Both are the everyone are the correct. Now the second one. A dash is a collection of related information. What? Database. A database. Very good. Rishu, you got one mark more. Field name is also called dash. Table. Field is also called was. Kisi ko nahi pata? Sir. Field name. इसमें तीन ऐसे होंगे आपके यहाँ पे होगा फील्ड नेम इज आल्सो कॉल्ड कॉलम लेबल और क्या होगा आपका लेबल क्या होता है जो आपके फील्ड की जो ऊपर नाम लिखा आता है एक्शन में उसको लेबल कह देते हैं नाउ चार्स आर मेड अप ऑफ अ वैरायटी ऑब्जेक्ट ओके वेरी गुड बेटा 5 मार्क्स नेक्स्ट डैश चार्ट हैज द शेप पाई वेरी गुड 6 मार्क्स है बेटा कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट द सॉफ्टवेयर ट्रू और फॉल्स ट्रू बेटा ट्रू है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ट्रू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज बिट ट्रू चार्ट कैन नॉट बी रिसाइज और रिमूव्ड Chart style is used to change the appearance of chart. True. Now some short answer type questions. Okay? Let us see. अब बेटा आप लोग हैंड राइज करोगे सबको हैंड राइज करना आता है ना देखो जैसे ये हैंड राइज का बटन राइज को आप क्लिक करोगे तो ऐसे आपका हैंड राइज हो जाएगा ठीक है आपको ऐसे हैंड राइज करना है जो हैंड राइज करेगा हम उसी से पूछेंगे वही बोलेगा फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूजर इंटरफेस हु वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन निष्कर्ष टेल मी बेटा यू हैव मेक आर योर हैंड राइज यूजर इंटरफेस इज अ मींस बाय व्हिच द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम इंटरैक्ट विद ईच अदर इट इज अ सेट ऑफ कमांड्स और मेन्यूज थ्रू व्हिच अ यूजर कम्युनिकेट विद द प्रोग्राम देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस फर्स्ट इज कमांड इंटरफेस बहुत अच्छा बेटा वेरी गुड सो नाइस वेरी गुड बेटा एनी वन एल्स आयुष सिंह बाल कृष्णा गर्विता वस्त एनी वन वॉन्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऋषु महिमा एनी वन एल्स के प्रभाकरण आर यू देयर आधे बच्चे तो सो गए होंगे कोई क्लास चल नहीं रही थी काफी देर से ना बालकृष्णा हाँ बैठ बालकृष्णा बोलो बेटा तुमने हैंड रेज किया बेटा बोलो ट्वेंटी फाइव क्या The question is that what is user interface? What is user interface? The second question of mine for will be for Poonam. Poonam, are you there? Yes, sir. So first question is convert the following in the binary.
So how you will convert 345 into binary? As a recommendation, 345, then what we will divide by 2. If we divide 345 by 2, what we will have? We will have 172. Okay, two. And remainder will be 1. After that, when we divide this again with 2, what we will get? 86. I'm just going with the flow what you are saying. Now we will divide with 2 by we will get 43. Then 0. Then 21. Remainder 1. 1. Then 2 0 10 again. What do we have? 1. What we will have? 10. And remainder will be 1. Just give me a second, I will make it more clear. Okay. After that, what we have to do? 2, 5, 5. It will be 21, remainder 1, 2, it will be 10, remainder 1, 2, it will be 5, remainder 0, 2, it will be remainder 1, 2, then 2, 1, 0. Then you will collect like this, then what we will have? 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Visible? Yes, sir. Okay. I think I should choose some dark color so that you will get better understanding. Now, what we will have? We will have 56 here. Am I right? Am I right or not? Yes. Yes, sir. I said 228. Remainder 0. Then? Remainder 0. 14. 14. Remainder 0. 7. Then? 3, remainder 1, then 1, and we will collect it like that. So 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, base 2 is equal to what? Is equal to 1, 1, 3 of base 1. Clear everyone? That's it. Kiska? Mera? कहाँ से सोचा बेटा 56 करेक्ट 28 करेक्ट 15 7 सर मेरा हाँ बेटा हमने तो मेरा गलत हो गया ओके गाइस तो आई थिंक कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी आगे का पेपर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल से आज का आपका समय पूरा हो चुका है आई थिंक जो 11 बज के कितने मिनट हो रहे हैं क्यों आप चिट्ठा लगा मुझे क्या टाइम दे दिया बट फिर भी आई होप कि 11 बज के हाँ बेटा का टाइम हो चुका है 5 मिनट में आपको डाउट क्लियरिंग के लिए देता हूँ और थोड़ी चीज़ आपको टीम्स के बारे में बतानी है ठीक है तो ए
एक मिनट का समय दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।